खातिन तो हजरा वेलकम टू हस्ता मनाए उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप लोग भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो अनडाउटेडली पाकिस्तान की एक लेजेंड है ना सिर्फ ये कि आप एक कमाल अदाकार हैं बल्कि आप एक लाजवाब सिंगर भी हैं कई दिहाइयों से पाकिस्तान टेलीविजन पर छाई हुई हैं और मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं अपने आप को एक कमेडियन कहता हूं तो वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन कमेडियन भी है ये अकेली है पूरी इंडस्ट्री में भारी पुचर पहले सॉरी आप बैठी गई नहीं, लेकिन शो अच्छा। रिवायत रिवायत अच्छा, एक टांगा नहीं। नहीं। है हाँ। परवीन शाकिर का बहुत प्यारा एक शेर है आ, जो हो लड़कियाँ लड़किया तो लड़कियाँ हो चंचल लड़कियाँ चंचल और देखे लोग बूढ़े होते हैं रू बूढ़ी नहीं होती दिल बूढ़ा नहीं होता मैंने कभी किसी यंग आदमी को कहते नहीं सुना और अगर हो भी जाए तो इसको मानना नहीं है ठीक बात ठीक थी है तो बड़ा प्यारा शेर है जो बहुत सालों से हमारे साथ चल रहा है और आप सबके साथ चल रहा होगा मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी मैं सच कहूँगी और उससे हार जाऊंगी वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा याव। याव। और आपको एक भी बताऊं मेरी बड़ी बहन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे सुबुल शाहिद वो हमारी फैमिली का एक एक बहुत बड़ा रंगीला था बड़ी नेचुरल विट थी तो हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं, है साहब उनका गुस्सा बहुत बुरा तो कहती थी मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी ऊँची बोलकर मुझे लाजवाबी बोलकर मतलब जोर से बोल के ना अरे मैडम ऐसा है कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ओह इतनी पुरकशि अरे ये बड़े बहुत बड़े फैन है मेरे तो नहीं आपके मैं मजाक कर रहा हूँ मैंने सारी शरारते पहले कर लूंगा कल, 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 कल। अच्छा मैडम एक बात बता बचपन के दिन अभी तीन चार साल पहले की बात आपके हुँ। तो आप बचपन में छोटी सी थी तो आप अपने कजन को लेकर एक प्रोग्राम में गई जहाँ आपको गाना गाना था आप कितनी छोटी थी मतलब मैं अंदाजा लगाना एक्चुअली मैं नौ साल की थी नौ या दस की थी और मैं गाती थी टीवी की स्टार थी परीवरी बन चुकी थी छोटी उम्र में मतलब उस ज़माने के बच्चों में जानी पहचानी थी बहुत हो गए होंगे अब तो सारे ओ बच्चे, बच्चे नहीं रहे <laughs> नहीं वो लोग ही मर गए होंगे शायद <laughs> है तो मुझे एक जिंगल गाने की ऑफ़र हुई और उस ज़माने में जिंगल गाने की ऑफ़र हुई जबकि उस वक्त भी ये ख्याल था कि आबादी बहुत ज़्यादा जबकि इतनी नहीं थी उस वक्त हाँ। और एक अंकल थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप एच का दफ्तर था चेरिंग क्रॉस पे लाहौर में बॉडा हाउस के सामने ये सब बदल चुका है हाँ मतलब मैं तो दिन से वहां से गुजरी नहीं मैंने अपने लिए, अपने बहन भाई छोटी सी थी मेरे एक भाई थे, उनको लिया, बहन को लिया। और मैंने चलो हो, 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 करने के लिए चलेंगे हाँ, मतलब मैं तो लेड़ सिंगर लेड़ सिंगर थी। और वो गाना भी वो था छोटा कुंभा खुशहाल जिंदगी छोटा कुंबा लेके जा तीन चार लोग थे पर हमारी इसमें जरा छोटा कुंबा खुशहाल जिंदगी कसरत जिंदगी इबरत पकड़ो ए मेरे भाइयों वरना हुआ मुहाल जिंदगी छोटा सच्ची बात बताऊं सब ईमानदारी से बता इतना रोमांटिक गाना सुन के कुंभा छोटा हो नहीं पाएगा मैडम अब आप ये देखें कि उस जमाने से लगे हुए लोग कुंबा नहीं छोटा हो रहा नहीं आप देखें मोटरसाइकिलें देख लें आप सिर्फ बहुत देर से बैठे हुए मैं चाहता हूँ इनसे जल्दी स्टार्ट करें बेहद सवाल है आपके लिए हम इनसे पूछते हैं असल वाल क्या नाम है मैडम आपका सहरिश उमानिश मैडम आप करती क्या है मैं हाउसवाइफ वाइफ हूँ आप हाउस वाइफ बहुत काम बहुत काम करती होंगी ये ये बहुत काम है अच्छा लोग हाउस वाइफ मैडम मुझे आपने अच्छी तरह बताया लेकिन अक्सर ऐसे बताते हैं जैसे हम हम कुछ करते नहीं हम हाउस वाइफ है ये पूछना चाहती हूँ कि कराची के जैसे बहुत खाने फेमस हैं तो सेहत इतनी लाहौर की क्यों मशहूर है सवाल तो बनता है भाई कराची के खाने आप जानती हैं बड़े है लाहौर की इतनी सेहत तो शहर का कसूर नहीं है अपना ही है लेकिन अपनी अपनी टेंडेंसी है ना मैं यहाँ लाहौर में पली बड़ी हूँ लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी मैं स्कूल भी यहीं का था इससे भी आती थी और खूब खाती थी तो ये शहर से नहीं आई थिंक है ना अभी, हा, हा, तर... अभी, तर... अभी तक का क्या मतलब है <laughs> <आगी? laughs> तो हम बचपन से देखते हैं हाँ ये देखें तोलने में कुछ बचपन से देखते हैं मैं कह रही तोलने में भारी जो बड़ा वही बड़ा हाँ तोल के जो बड़ा है वो बड़ा वैसे <laughs> ये आपने सही बात की कराची के लोग पतले होते हैं काफी hmm. क्योंकि वहां पर एक तो आबो हवा सही है एक तो बड़ी मसले दूसरा वो परेशानियाँ जो कभी लाहरियों ने देखी नहीं है वहां है ठीक है आप अपने पानी से नहाती हैं जो आपके घर में आता है रोज हम ऐसे पानी से नहाते हैं जो हमारे घर से भी नहीं आया हुआ वो एक टैंकर में आया है hmm. वो भी किस जगह से निकाला गया हमें रास्ते में टैंकर पानी से हम नहा रहे हैं वो भी थोड़ी देर बाद वापस आ रहा है hmm. <laughs> ऐसा है नहीं <laughs> इसलिए हम थोड़े पतले रहते हैं नहीं लेकिन मैं आई वॉज बोर्न इन कराची इन लाहौर और मैं बड़ी शदीद पंजाबी फैमिली से हूँ बड़े खाबे खाते हैं हम लोग लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाया भी ने है। है। ने आपका उस खाया भी भी हराम किया हम <laughs> तो पानी भी पिए तो हमें लग जाता बस है बस फिर अब अगर आप लोगों को डाइटिंग करनी है लाहौर लाहौर के लोगों को प्लीज वेलकम टू कराची <laughs> आप लोग आए पहले दिन दूसरे दिन मोबाइल चोरी होगा एक टेंशन आ जाएगी तो पानी नहीं आ रहा होगा दूसरी टेंशन आ जाएगी यूँ क्या आप नहीं लेकिन यहाँ तो गदा गोश्त खा के भी गदे गोश्त अब प्रोटीन बहुत होता है गदे गोश्त अगला कौन है असला जी वालेकुम वालिकम क्या नाम है जनाब मोहम्मद अदील क्या करते हैं आप बिजनेस बिजनेस जी किस चीज का कोई लोहे का आयरन लोहे का बिजनेस आप लोहा बनाते हैं नहीं मिल, करते? मिल को माल देते हैं आपको पता है ना लोहा खास बात क्या है लोहेगी <laughs> लोहा लोहे की खास बात यह है कि लोहा जो है वो ओरिजिनली जमीन की धात है ही नहीं जी वो एक एलियन मेटल है मैडम बाहर दुनिया में बहुत हजारों लाखों साल पहले कोई मेटोयर गिरा था उसके अंदर लोहा आया था ओरिजिनली जमीन की और नहीं है जी ऐसे बताता चला मैं कोई सवाल है आप जी बिल्कुल कर क्यों नहीं मैर आज कल आपका एक ड्रामा चल रहा है बड़ा अच्छा उसमें बड़ी खपत्ती सी सास बनी हुई है तो जिसको रियल लाइफ में ऐसी मिल जाए फिर वो क्या करे ये वाली सांसों की तो अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए क्योंकि टीवी के ड्रामे की हर सांस है होती बुरी है हाँ। और ये एक आप लोगों ने बनाया क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं तो वो फिर ऐसे लिख के जा रहे हैं मगर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि वैसे ड्रामा बहुत अच्छा बना है हाँ, लेकिन एक सड़ी लम्मी का रोल मैं पहले भी कई बार कर हाँ। चुकी हूँ कि मैं वैसे खुद नहीं हूँ मुझे, मुझे मानना पड़े किसी को थप्पड़ तो मुझे मुसीबत पड़ जाती है फिर कैसे करती हैं? बड़ा मुश्किल है, खुदा की, की। कसम जहाँ मैं कहती हूँ अल्लाह सुनो मैं इसको कहूंगी निकल जाओ यहाँ से दफा हो जाओ ऐसे कह लूँगी मारना नहीं आ रहा और कई दफा रिटेक होती है और हाथ मेरा फुस हो जाता है फिर वो आवाज डालते हैं हाँ नहीं मेरे से मारा नहीं जाता किसी को मैं क्या मारना नहीं है देखो धक्का नहीं दे सकती मैं मैं कहूँगी निकलो निकल जाओ इससे कौन निकलेगा देखिए आप खुद ईमानदारी से नहीं निकल पाएगा एक पढ़ी लिखी बी पास लड़की को अगर आप यही कहकर निकल जाओ तो और दफा हो जाएगी ये बात आप ठीक है हा? तो आपको मारने की क्या जरूरत है लेकिन मेरे से नहीं मारा जाता है हमीद मेरी फ्रेंड रख रख के मार उसको आता है खूब अच्छी तरह अच्छा सर आप अपनी क्या पर्सनल सास है आपकी कोई बात नहीं आप फंसेंगे नहीं मैं फंसने नहीं दूंगा आपकी पर्सनल सास है तास हैं, और आप मतलब आपसे आपको क्या डांटती या सेट रखती है आपसे पहले कुछ और हो जाए दमादो को कोई सास नहीं कुछ कह सकती असला क्या नाम है सर अब्दुल मनान अब्दुल मनान सर आप क्या करते हैं बिजनेस करता हूँ एंड आई एम फ्रॉम स्टेट्स

और एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अब हम यानी कि अपने बचपन से आपको माशाल्लाह देख रहे हैं आप वैसे की वैसे यंग है अब हम बचपन के होने वाले हैं हमारे ये बाल भी उड़ गए हैं राइट लेफ्ट से और आप माशाल्लाह वैसे की वैसे हैं कोई कुछ दुआएँ हैं या फिटनेस है क्या है नहीं कुछ भी नहीं है एक्चुअली ज़्यादा तो मैं बताऊँ क्या है आई बीन ऑलवेज अंडरवेट बचपन से मैं अपने एक दुबले से बहुत शर्मिंदा रहती थी उसका फ़ायदा अब हो रहा है ज़रा

मैं दे दूंगा। क्या नाम है आपका मोहम्मद भी आप <स्थिक्षाथ> नहीं कर सकता जिसको ज्यादा दे दिया वो तो कभी बताएगा भी नहीं की यार मेरे साथ गलत हुआ है बिल्कुल वो आगे जाके बता सकता है ऊपर ऊपर जाकर भी ग्रिवान पकड़ेगा बिल्कुल अच्छा सर ये बताइए की जो कभी ऐसा हुआ है की आपके लगाए हुए इंजेक्शन के बाद बंदा आधे में जाग गया हो जी सर बिल्कुल हुआ ओए, ओए, ओए। है बहुत रेयर होता है हाँ। लेकिन वो क्योंकि एनेस्थीजिया वालों के बारे में थोड़ा मशहूर होता है कि वो ड्यूरिंग उनकी कॉफी और चाय का एक वो कप लाजमी लेते हैं अच्छा तो उस ड्यूरेशन के दौरान पेशेंट वापस रिवर्स आ जाता है।, तो है तो आप उसको क्या तसल्ली देते नहीं जा बेटा या नहीं दोबारा उसको दोबारा डोज दी जाती है

Uh, माशा उनमें जैसे आपकी सिस्टर्स हैं आप हैं आपका एक बहुत बड़ा नाम है हैं आप ऐसा क्या राज है कि आपकी फैमिली में सारे है आप डॉक्टर लोग ताने मार के भी बेहोश कर लेते हैं ये तो सुई लगा करते हैं बड़ी बात है हमारी फैमिली, मतलब फैमिली में जो बेसिक कहना चाहिए इंग्रेडिएंट है ना वो मेरे पेरेंट्स मेरे वालिद बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे yeah. फिल्म मेकिंग पढ़ के आए थे हॉलीवुड से जब मैं तीन साल की थी yeah. उसके अलावा बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी फिर वो सारी उम्र जर्नलिज्म करते रहे बहुत सच बोलने वाले जर्नलिस्ट थे और धक्के खाते थे हर वक्त नौकरी से निकाले जाते थे लेकिन सच बोलते थे तो म्यूजिक लिटरेचर ये दो स्पोर्ट्स थे हमारे घर में और आसपास भी ऐसे लोग आते थे मिलने वाले भी आते ऐसे हाँ इबन इंशा ने मेरा नाम रखा हुआ है अच्छा हाँ जी और मुन्नू भाई और मुमताज़ मुफ्ती कु शहाब इस तरह के लोगों में हम पल बढ़ के बड़े अच्छा मैंने बात बताया इब्रंशाह तो अपने जमाने के बड़े अच्छे लिखारी और पता नहीं कितने बड़े आदमी बुशरा नाम रखा उन्होंने आपका बुशरा नाम जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था उन लड़कियों का रखा जाता है सिर्फ ये तो आप पुरानी बातें हैं कि जिनके लड़कियां ही होती रहती होती तो बुशरा रखते हैं अच्छी खबर वाली उसके बाद लड़का होता है जी तो इब्र इंशाह भी ये बिलीव करते थे वो मेरे ख्याल करते ही होंगे क्योंकि जब मैं का रिवाज जी मैं मैं वो बुशरा का मतलब होता है खुशखबरी खुशखबरी और उसके बाद अक्सर तुक्का चल जाता था लड़का आ जाता था हमारे यहाँ भी आ गया था एक मेरे अच्छा, बुशरा किसी का पैदा हो रही है इसका मतलब है कि इनके अम्मी अबू ने अभी रुकना नहीं है कभी 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 किसी की आठवीं बेटी का नाम भी लोग रख देते थक हार के

अभी तो लेकिन उस जमाने में भी ये थी क्योंकि मैं हुई जब तीसरी बेटी तो उम्मीद थी कि लड़का आएगा आ, अभी तो थी। और मेरे दादा दादी को भी था जैसे होता है लड़का बता, लड़का वो इतना बड़ा तखत जो लिया था जिसका वारिस चाहिए होता है हाँ? हो, तख्त का मसला है सिर्फ हाँ तख्त का वारिस। मसला सिर्फ यह ये जो होता है नसल होगा उड़ने वाला फिर तो नस्ल आगे बढ़ाए बड़ा कोई पता नहीं तो अब्दुल कयूम भाई ये रहते नाजमाबाद में कुछ नहीं करते

रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कोई थोड़ा सा ही सॉन्ग सुना दें ओ अच्छा मेकअप मेकअप आर्टिस्ट को गाने का भी शौक है। है। <laughs> के कौन सा सुने उर्दू के पंजाबी जी जो भी सुना दें आप पंजाबी सुना दे अच्छा <laughs> भाई हाँ हाँ ये भी जरा बेचारे कुछ हो जाएंगे ना <laughs> आ, पंजाबी तो मैडम मुरझा के इतने सारे गाने हैं <laughs> मरो दा नहीं प्यारे ना मरो प्यार। आए। <laughs> भी भी। भी मेरी इतना अरे मैडम एक गांव बता आप खुद एक काम में रही हैं जैसे कि आप गानों की आप बनाती थी, मगर वो तब भी उसमें गाना अच्छा गाती थी आजकल अब मैंने देखा है वो सिंगर आए से कर रहे हैं तो, तो है नहीं आप उसको मुझे एक दुख है इस बात का वो अल्लाह उनको जिंदगी दे बेचारे जो भी हैं मुझे लोगों की जहनीत पे दुख है कि किस तरह की चीज़ों को वायरल करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी समझ से बाला है ये ट्रेंड ये ट्रेंड है बिल्कुल तो ठीक बात और उसमें और भी लोग होंगे मुझे उनके नाम नहीं आते कई लोग तो अजीब अजीब से भी हैं मैं हैरान होती हूँ मगर आम, गानों का इस तरह से इस्तेसाल जुल्म बर्दाश्त नहीं होता वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है दोस्त अमार हसन क्या करते हैं अमार आई का स्टूडेंट हूँ आई के स्टूडेंट हैं जी वेरी गुड अच्छी कॉम लग रही है ये तो कोई <laughs> सवाल <सब, तुमाल> सवाल करेंगे। <laughs> मेरा बेसिकली आपके साथ है कि ताबिश भाई अगर आपको मौका मिले मेरे सेकंड मैरिज करने का हाँ। तो आप किस नेशनलिटी की लड़की के साथ करना पसंद करेंगे मैं तो मौके पे ही खत्म हो गया था बेटा <laughs> इसमें और ऑप्शन <laughs> है <laughs> 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 मतलब के में दुनिया घूमी हुई आपको क्या लगता है कहाँ की बहू अच्छी लगेगी आपको मैच करूँ तो नेपाल नि... से ले आऊंगी फिर <laughs> <laughs> नेपाल की के बेटा कोशिश इन वहां से कुछ सेटअप उनको मेरा पता नहीं होगा दूर के है ना वो लोग पहले भी केस है घर में आप कहा आपको तो खैर क्या ही लड़की हो बस है जिंदा नहीं मेरे पास तो कोई भी नहीं फिलहाल कोई ऑप्शन को सोच रखा है किस नेशनलिटी से ऑप्शन रखी है मैंने ठीक है वेरी गुड कौन सी नेशनलिटी है मेरी पाकिस्तानी है क्यों चालमी की है बेटे अनारकली की तुमने अपने लिए पाकिस्तानी लड़की क्यों चूज कर रखी है नहीं मैंने पाकिस्तानी लड़की चूज नहीं की है अपने लिए उसने चूज कर लिया फिलहाल अपने ऊपर ही फोकस कर रहा हूं कि बाद में मौका आएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सही अकलमंद है जब कुछ बन जाए किसी काबिल हो जाए फिर खुद ही सब नेशनैलिटी आपके हाथ में जी। अच्छा मेरी दूसरी करा रहे हो अपनी पहली नहीं कर रहे आप तो बन गए ना आप तो... देखना चाहते हैं <laughs> नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा दूसरी शादी यार मैडम ये नहीं कर रहा नहीं, नहीं, सुने हाँ, वो भी दूसरे ना कितना कॉमन हो गया है कि जहाँ आपका दिल चाहे आप ये यूज कर सकते हैं कि चार की इजाजत है ये तो है ना मगर चोर का हाथ काटने पे आप नहीं लॉ बना रहे कृषि के कहने में केह न बेबिया बेबिया है। एमद एमद भाई, yes. आ, आपने हजारों की तादाद में तो किए होंगे सैकड़ों तो किए होंगे नहीं काफी किए तो मुझे किए yes. अच्छा जब कॉन्सर्ट में जाते अजीब वरीब हरकतें भी होती है कभी कोई कुछ फेंक देता है कभी कुछ आप गलत कर जाते हैं अगर गलत गा रहे हो तो कुछ ना कुछ गलत ही आएगा सामने एक बार वॉड्रोप मेल फंक्शन हो गया कुछ कॉन्सर्ट के दौरान बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं हाँ। कि जो आपको अगर बताऊं तो यकीन भी नहीं करेंगे मेरी एक दफा बेल्ट खुल गई थी स्टेज के ऊपर ही खुल गई खुद ही हाँ खुल गई बस पीछे खुल गई आपको महसूस हुआ है कि कुछ गया सामने से ना कुछ लूज हुआ है कुछ आगे पीछे तो आपको फिर अपने आप को कैसे संभालना है कहाँ किस तरह पकड़ना है फिंगर यूं आ है। बस नहीं, नहीं, खड़े हो, खड़े होकर आपने बिल्कुल सामने वाले को पता भी ना चले हाँ और एक बड़ा जबरदस्त सा जबरदस्ता मैं एक फैमिली के साथ रह रहा था दुबई में और शो था दुबई में तो हम लोग एक जब एक घर में थे ना तो मेरी ब्लैक पैंट्स बहुत ज्यादा हैं ठीक है तो मैंने ब्लैक पैंट पहन ली और पहन के कॉन्सर्ट में चला गया जब वापस आया तो हमारी कजिन हमारी कजिन लेडीज हाँ वो कह रही है यार मैं मेरी स्कूल की पैंट गायब हो, <laughs> तो हो गई है कमरे से मैं कह रहा हूँ यार अच्छा हो गई होगी दाई हमें क्या पता <laughs> <laughs> तो मैं दो मिनट के लिए रिकॉल किया मैंने कहा कि यार मेरी पैंट में जेबें कहाँ चली गई जेबें ही नहीं थी ना उसके अंदर स्कूल की तो पता चला कि उनकी

गाना है मोहब्बत करने वाले उत्तरी और जॉनर है रॉक एंड रोल ओह माय गॉड हो जाए मुश्किल काम है मुश्किल अच्छा तो अब इसको रॉक एंड रोल तो आप जो कर ले मैं गा देता नहीं मीन तू जस्ट थोड़ा सा सो अब सब यूं तालियां बजाएं किस काम पे लगाऊंगा हां बेचा ले आप छोड़े से मुझे आता नहीं सब हो मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे ओ मोहब्बत करने वाले कम ना हो

किसी के कहने में ना ना किसी के कहने में ना ना बेबिया बेबिया भाई, 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 भाई।, <laughs> भाई वक्त आ चुका है नजर बंद खेलने का खेलें। आप पहनेंगे ये आई मास्क कहाँ देखना कहा मैं बताता हूँ आप आई मास्क पहन लो अपने आप क्या देखेंगे आप मैं कुछ भी नहीं काले देखूंगा कहीं भी देख लें ओके होगा ये कि अब आप ये सामने स्क्रीन है इस पर एक तस्वीर आएगी तस्वीर किसी जगह चीज जानवर इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है आपने भी हो सकता हाँ, है हाँ आपने सवाल पूछने सवाल पूछेंगे मैं हिंट्स भी दूंगा और आप पहुंचा देंगे पहुंच जाएंगे वहां हो पहली तस्वीर ये रही हाँ। ओहो हाँ। हो हो। हो हो भाई ये कोई खातून है नहीं नहीं अच्छा क्यों ये तो फिर हो हो एक जगह है जगह जगह है जी जी अच्छा पाकिस्तान में हर जगह दुनिया की हर जगह ये जगह है क्या हाँ और जगह जगह है हर जगह ही है हर जगह अच्छा ये जगह एक इंसान पे है ये जगह एक इंसान हाँ इंसान की एक मखसूस जगह है भाई बाथरूम हो सकता है अरे भाई इंसान की जगह बाथरूम कैसे भाई इंसान तो 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 की मतलब कबर होती है इंसान की मखसूस जगह कबर तो है अच्छा ठीक है वो, वो नहीं है ज्यादा यूज में जो आती है वो मैं इसको बात करता हूँ अच्छा तो ये क्या कहते हैं ये करवाते ही ओले पड़ते ये करवाते ही ओले पड़ते हाँ टोटका है ये हाँ हाँ मौसम है क्या मौसम नहीं है मौसम नहीं है नाइन्टी नाइन परसेंट लोग ये खुद नहीं कर सकते किसी से करवाते हैं ये जगह बनवाते हैं किसी से यार ठीक ठाक हिंट दे रहे हैं मुझे मैं बहुत बड़ी बड़ी इंटें दे रहा हूँ आपको ये बनवा मजार कुछ मज़ार नहीं है भाई दो कुछ लोग करवाते हैं कुछ की हो जाती है ये वो जगह और जगह है आप कह रहे हैं एकदम स्पेसिफिक जगह है इंसान की अरे भाई जान ये क्या हो गया उन लोग करवाते हैं हाँ खातन मैंने ऐसी नहीं देखी <laughs> देखी है, एक दो मगर वो अपनी बाई चॉइस थी खातन आपने अब खातन क्यों आ गई इसमें दो चीज़ है ना नहीं? नहीं आ सकती कि मैंने कहा इंसान पे चीज़ मखसूस चीज़ है इंसान की जगह है इंसान के अंदर ये अच्छा इंसान के अंदर जगह है अंदर थोड़ा सा बाहर ये अंदर नहीं मतलब इंसान पे जगह है ये इंसान पे जगह है हाँ मतलब कोई जिसम का हिस्सा है हाँ हिस्सा है, हिस्सा। हिस्सा है। आप आंखें, आप लोगों के नाम लें अच्छा मैं बताऊंगा उनमें जगह है कि नहीं शख्सियात के नाम लूँ ऐसी रेंडम लें कुछ लेके देखें ताबिश हाशमी नहीं है उनके नहीं उनकी जगह ही नहीं उनके पास अल्लाह करे ना हो अहमद जानजेब अहमद जानजेब को तो बिल्कुल नहीं है अरे भाई जान यार आपके नहीं अच्छा मुझे अच्छा गंजा सर गंजा तो ओ क्या निकला जोर से अरे हमारा काम है ताकि आप समझे बता नहीं क्या लगा ओके दोबारा डाले शटर दिखाओ बेटा ओ हो झूठ है ये झूठे हाँ अच्छा कोई जगह है कोई चीज है इंसान इंसान है इंसान शख्सियत है शख्सियत है? है तभी इंसान है मशहूर मशहूर शख्स मशहूर बहुत मशहूर पाकिस्तानी है या गैर पा, नॉन पाकिस्तानी 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 मगर हर जगह पता है इनका हर जगह पता है उनका इनका पता है सबको कोई प्रोफेशन उनका प्रोफेशन इनका यही आपका वाला म्यूजिक प्रोफेशन और पाकिस्तानी है पाकिस्तान पाकिस्तानी है और अच्छा जिंदा है हयात है बहुत जिंदा है बहुत जिंदा है बिल्कुल यंग है यूथ में या बुढ़ापे में पक्की उम्र है पक्की उम्र है पक्की मतलब बीच की उम्र है हाँ क्या ये मेरी कोई एज ग्रुप के आसपास है आप आप पता नहीं ना आप कितने बड़े हैं नहीं तो आप बस जो तस्वर करते हैं नहीं आपसे तो निकलते हुए लगते हैं अच्छा, <laughs> लगते हैं हाँ। आम, मेल है ना काफ़ी मेल काफी काफ़ी मेल अच्छा इनका मेल भी है अच्छा Uh, करंटली हैं हैं। हैं हैं। हैं हैं। हाँ। हाँ, हाँ। पॉपुलर है पानी पीते रहते पानी का पानी, मेरा। <laughs> मेरा पानी, पानी ना मिले मार भी देते हैं नहीं भाई ये तो कुछ आ गया दिमाग में पानी ना मिले तो मार देते हैं मार नहीं देते थप्पड़ फपड़ मार देते मेरा पानी का है मेरा पानी रात पर नहीं खान। ये आओ। अच्छा ठीक है। आखिरी आखिरी बच्चे आखिरी। अभी मैं कहने वाला था इससे कोई भिड़े मत। हाँ। अगला ओए होय 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 कमाल हो गया भाई। कमाल। ओफ़ भाई आ गई। तस्वीर आ गई। भाई चीज़ शख्सियत इस चीज़ 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 है चीज़ है।, देखी 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 है।, है।, है। जल्दी गैस करना पड़ेगा मगर आगे चीज़ रहे चीज है और क्या का मतलब हमारी रोजमर्रा की, की जिंदगी में इस्तेमाल होती है अब इतना भी रोज रहा नहीं मतलब ऐसा वीकेंड वीकेंड पे कभी हो गई तो हो गई अच्छा <laughs> कोई प्यार आ गया बेगम पे चलो भाई ये देखे तो होती है कोई, कोई, कोई लोकेशन है चीज़ है चीज़ है मतलब कोई खाने पीने की चीज़ है ऐसा ही है ऐसा ही है खा भी सकते हैं थोड़ी देर अगर देर हो गई तो पी भी सकते हैं आ भी सकते हैं थोड़ी देर हो गई तो पी भी सकते हैं जो आवाम की हालत है यानी आवाम को भी डंडे लगे हुए इसको भी लगे हुए इसको भी डंडे लगे हुए ओहो कुल्फी उधार दे उधार दे ये जो आपकी हिंटिंग थी ना तो उसी से तो गेम बन रही है करीब तरीन था उसके ऊपर एक ब्रेक ले वापस आई हसना मनाए कहीं जाएगा किताब गिराई उसने वो लेटर उठाया उसके बाद किताब को साइड पे रखा जिस तरह मैंने यहां पे रख के उसको फेंका था उसने भी ऐसे रखा और विंडो से बाहर फेंगो <laughs> वेलकम बैक टू मेरे साथ मौजूद लेजेंडरी ठाकुर सर अभी ऑडियंस से बातचीत हमारी जारी है देखते हैं और कौन है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है दोस्त मेरा नाम हसन काशिफ क्या करते हैं आप मैं बी एस मैस कम्यूनिकेशन का स्टूडेंट हूँ उसी ने ज़बरदस्ती बुलाया आपको यहाँ पे ठीक है बात करो। कोई बात कोई सवाल है आपका हसन आप हमारी पंजाब की वजी अल मरियम नवाज़ को अपने शो में कब बुला रहे हैं कब बुला रहा हूँ मैं तो सर बुलाना चाहता हूँ संडे को बुलाएंगे छुट्टी वाले दिन <laughs> 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 बेटा मेरी दुआ यही है कि मौका मिले तो मुझे ही बुलाने का मौक़ा मिले कहीं उन्होंने बुला लिया <laughs> तो वो मसला होगा वो बोला मैं उनको बुलाने की कोशिश करूंगा और आना चाहिए सर अभी मसला ये है कि दुनिया भर में मैंने देखा है कि अभी वज़ी अला ने बड़ा अच्छा वज़ी अजम ने बड़ा अच्छा जेस्चर किया हमारे फेलो कमेडियन है शफात अ, उन व, उन्होंने वज़र अजम के सामने उनकी नकल उतारी और वज़र अजमे ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ अमेरिका में जब उनका प्राइम प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है

ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ ਤੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਸੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕੀ ਜੁਗਤ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀ ਸਰ ਮੈਨੋ ਮੈਨੋ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਵੇ ਚੈਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁਈ ਹੁੰਦੀ जी, तो मैं तक, हमारा प्रोग्रामो के साथ है। ही है, ऐसा ही, ऐसा ही। है। है। मुझे वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का वो मेडल पहना रहे थे हाँ। मेन कहते बड़ी खुशी हुई है तेन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले है हालांकि तेरा मुंह तो नहीं ना अवार्ड वाला आचार्य सरवर साहब मैं क्या पाया नहीं तो अल्लाह का निजाम है अल्लाह ने तुम्हें गवर्नर बनाया वरना तुहाडे तो सिर वर्गे बंदे मेहंदी हसन साहब के बहुत पिछे बह के तबला बजा ने अरे अच्छी बात यह है कि भाई जो ले भी लेते हैं हाँ, लेते, तो लेते हैं सर हो जाते हैं काफी लोग तो यार। वो तो कभी भी नहीं माइंड करते वेरी नाइस हाँ। अगला कौन है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है पार्टनर अरसलान सवाल करो सवाल ही रिक्वेस्ट है ठाकुर साहब से आपने रोल किया था स्टैचू का एक मूवी में तो अगर आप वो रोल कर दें और ताबिश भाई आपने बगैर हाथ लगाए इनको हिलाना है क्या? <laughs> कर आ, मैंने इनको मतलब हिलने मजबूर जी आपने इनको हिलने पे मजबूर करना है हाथ लगाए बगैर ठीक है मैं तेरी पक्की पक्की मशूका <laughs> कमेडियंस में देख तरह एक्टर्स में अक्सर कंपटीशन होता है ये लोग एक दूसरे को ज़्यादा तारीफ़ करना पसंद नहीं करते मुंह पे ही करते हैं पीछे नहीं करते कमेडियंस का मैंने देखा है कि ये मिल के रहते हैं इसकी क्या खास वजह है आप लोग एक दूसरे की कुछ राज जानते हैं क्या नहीं, उसकी वजह अमानुल्ला खान साहब ओके okay. अमानल्ला खान साहब जो थे ना हमेशा हर बंदे की तारीफ़ करते थे और इनको कॉमेडियंस को कहते भी थे कि भाई एक दूसरे की तारीफ़ करोगे इनकेज करोगे तो जत्थे की तरह रहोगे मज़बूत रहोगे पावर में रहोगे और आज वो बात साबित हुई है कि भाई अगर मैं मुझे काम मिला इंडिया या मैं उनकी फ़िल्म में गया मैंने नासिर चनी साहब को नसीम विक्की साहब को सबको वो रास्ता दिखाया अपने साथ मिलाया तो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं हम एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं घरों में भी आ, आ, आ. और ये भी बात है कि अगर छह बंदे हम एक जगह रहते हैं तो छः के छे कभी भी नहीं गए फॉरन ट्रिप पे कभी भी नहीं जाते हाँ हम बाकी ये दो बंदे या एक बंदा पीछे रहता है सारे घरों का ख्याल गैस ताकि बाकी फैमिलियो का ख्याल रखे हमको किसी चीज की जरूरत हो तो बंदा एक वेरी अच्छी बात अच्छा मुझे बात बताएं आप शुरू से ठाकुर तो थे नहीं अहमद अहमद आपका नाम नाम था ऐसा किसी राइटर का लगता है ये ठाकुर किसने पीछे लगाया आप आगे आगे पीछे लगाया आप आगे से बताया करें पीछे नहीं आगे सर लगाया पीछे है आगे ये तो आप इस, आप ठाकुर के पीछे क्यों लगे सही सवाल ये है एक ड्रामा था पेंडो ट्रबल मेरा पहला ड्रामा था शायद लिया मेमोरियल हॉल में तो जब पब्लिसिटी के लिए नाम गए तो वो खाली इफ्तार लिखा हुआ था वो पब्लिसिटी वाले ने लिख दिया था इफ्तार ठाकुर खुद अपनी तरफ से बाप ने आगे नहीं ये पूछा कि ये ठाकुर ही, था। ही पूछते थे इसलिए मुझे मजबूरन फिर भी उनको भी ठाकुर लिखना पड़ा तब से इफार ठाकुर अगला क्या नाम है दोस्ता उसे क्या करते हैं आप मैं टेंथ क्लास का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस अच्छा माशाल्लाह कोई सवाल करोगे बेटा सर मेरा सवाल नहीं है एक रिक्वेस्ट है इश्खार जता से कि आपके आपने बहुत सारी फ़िल्में बनाई हैं तो उनमें एक फिल्म आपकी थी तो उसका एक डायलॉग मुझे पसंद है वो डायलॉग था एहतियात ज़रूरी है वो एक बार आप खुद से बोल देंगे प्लीज़ एहतियात ज़रूरी है जी जिस घर में कुंडी खराब हो ना घर एहतियात जरूरी है उस घर में ऐसा बच्चा होता है कि जाते हैं कुंडी फसा जाते हैं चल मेरा पोती ही है पहली जो हमने फिल्म बनाई थी हाँ, चल मेरा उसका ये डायलॉग है कंटिन्यूटी थी इतिहास जरूरी है जी। तो मेरे बच्चों इतिहास जरूरी है थैंक यू सर थैंक यू वेरी गुड अब कौन है अस्सलाम वालेकुम सलाम नाम क्या है जिया जिया क्या करती हैं आप मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की सवाल करेंगे जिया। जी मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा कभी हुआ है आप सीरियस बैठे हो तो अगला बंदा आपको हमारे साथ लोग मजाक करना शुरू कर देते हैं जिधर भी जाओ कोई लीफा ऐसा होता है बहुत बुरा मूड बैठा हो अगला बंदा सस्ती ठंडी झुकते मार रहा हो हाँ जी बहुत क्या रिएक्शन होता है आपका सही उसको लगे कि हाँ सही कह रहा वो सवाल इससे आगे है क्यों इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठंडी करता करता ना एक इतनी अच्छी करता है और वो कहीं ना कहीं काम आ जाती वो वो आप ले आते हो वाह। कहीं ना कहीं काम आ जाती है उसने तो फजूल की हमने वो पैसे से की ऐसा लग रहा है मेरी तरफ इशारा है आपका नहीं 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 कर रहा हूँ थैंक यू जिया

मेरी माँ की इस ख्वाहिश का पूरी फैमिली को पता था तो किसी ने ना मशवरा दिया कि अब आपके बच्चा जो है ना ये फ़ौज में भर्ती होने के काबिल नहीं है इसको ना कुछ खिलाओ पिलाओ थोड़ा मोटा हो जाए तो किसी ने कहा कि इसकी ना मंगनी कर दें लड़कों की मंगनी हो जाए ना मोटे हो जाते। तो ये खुशी से मोटे हो जाते हैं पहले तीन साल तो रिश्ते ही नहीं आया <laughs>

डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्हें क्या माँ जी इन्हें तो एक घंटा नहीं ये कटना <laughs> लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह की आत में मैंने डेढ़ घंटा वहाँ निकाला जहर भाई अपने पहले इश्क की कहानी आज आप आखिरी बार सुना दें बस इतना नहीं जोश में तुम लोगों के नाम ना आ कहानी में एक दफा मुझे खानेवाल से जाना था जंग रास्ता शोरकोट एक ट्रेन चलती थी अव्वल तो वो आती ही नहीं थी अगर आ जाए आप उसमें बैठ जाएं तो लगता था छह महीने हो गए ना <laughs> इस गड्डी <गड़ीची> रहने <laughs> <laughs> क्योंकि वो जगह जगह रुकती थी <laughs> बात बात पर तो ना कहीं से ना वो स्टूडेंट बच्चियां जो थी वो चूंकि फ्राइडे का दिन था सैटरडे संडे की छुट्टी थी तो वो बच्चियाँ जो थी वो अपने घरों को जा रही थी दो दिन के लिए तो काफ़ी स्टूडेंट उस ट्रेन में थी एक स्टूडेंट जो थी ना वो दरवाजे के साथ वाली सीट पे बैठी थी अब मैंने सोचा कि सफ़र लंबा है बड़ा मुश्किल है चलो कोई बात पर <laughs> तो बात चलाते हैं रहा नहीं जाता तलब भी रहा ऐसी है। है। जवानी मेरे <laughs> हाँ अब मैं हल्का हल्का जिस तरह शरारत करते करते ना मुझे लगा कि भी हल्का सा रिस्पॉन्स आ रहा है आ रहा है जब उसने देखा क्या मेरी सारी थकावट उतर गई <laughs> अब मैंने बर्थ पे बैठ के शेर से आगाज किया वाह अब मैंने दास्तान लिखनी शुरू की तकरीबन कोई पंद्रह से बीस मिनट लगे मैंने वो लिखा लिख के फिर मैं वो बाथरूम वाली साइड पे गया जाके उसको छोटे से छोटा किया छोटा छोटा करते 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 मैंने यहाँ रखा और ऐसे करके फेंका तो वो उसके न दोनों पैरों में आया वाह तो कदम तो उसने किताब गई किताब गिराई आए। उसने वो लेटर उठाया उसके बाद किताब को साइड पे रखा जिस तरह मैंने यहाँ रख के उसको फेंका था उसने भी ऐसे रखा और विंडो से बाहर फेंका इस बात आपकी आंखें बंद करने का वक्त आती बड़ा वजनी है रहे रे, रेत पाई, रेत पाई। हाँ। भाई अब स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी किसी जगह चीज जानवर इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है आपने सिर्फ सवाल पूछने और मैं हिंट्स भी दूंगा और आप वो गैस करेंगे कि ये चीज क्या है पहले तो आप ये डिफाइन कर लीजिएगा भाई कैटेगरी क्या है चीज है जगह है इंसान है जानवर ओके है, okay. दिखाओ बेटा रहेंगे हिंट्स मैं दूंगा इफ्तार भाई आ चुकी है तस्वीर जानदार है डिपेंड करता है कि बड़ी कितनी है दादा बड़ी हो तो लोग कहते हैं यार है बड़ी जानदार है वैसे जानदार नहीं है नॉन लिविंग थिंग है इंसानी हाँ हाँ हा। आजाद का कोई हिस्सा है इंसान से निकलती हुई चीज है भाई <laughs> इंसान से निकलती है ये चीज नहीं निकलती क्या किसी की बड़ी है किसी की छोटी है मगर इंसान से निकलती हुई चीज है बड़ी छोटी तो नाक ही होती है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है अच्छा उंगलियां छोटी बड़ी होती हैं किसी के कान छोटे आंखें छोटी बड़ी होती है दिमाग के हिस्से में होती है नहीं पेट के हिस्से में थोड़ा ऊपर दिल के हिस्से में थोड़ा ऊपर गले, गले में नहीं गले में नहीं होती यानी चेहरे की कोई चीज़ है हाँ मुँह पे मुँह पे लगी है मुँह पे लगी हुई <laughs> है आपके भी मेरे मुँह पे भी है यानी हर इंसान के भी लगी। <laughs> नहीं हर इंसान के हर इंसान के नहीं होती नहीं आपके लगी हुई है मेरे लगी हुई है में ज़्यादातर पाई जाती है कुछ खातन भी मैंने देखी आजकल आया हुआ है फैशन मैंने देखा है मुझे अफ्तार भाई अब मैं वो कह रहे हैं पीछे से ताबिश भाई आज इफ्तार भाई आए आप ये पहने और इफ्तार भाई आपको हिंट्स देंगे ईमानल हाँ ये कौन है बंदा ये पीछे है बंदा इसको मैं दाद देना चाहता हूं लेकिन पिस्तौल गाड़ी में पड़ी <laughs> है रिएगा इफ्तखार भाई अब मैं पहन रहा हूं तस्वीर आएगी मुझे नहीं पता क्या आपने मुझे हिंस okay. देनी है ठीक okay. है यहाँ आएगी है, और यहाँ आएगी okay. डायरेक्ट नहीं पहुंचा देना आप चलो okay. जी लाओ <laughs> इफ्तार भाई कोई इंसान है ओए मेरी तस्वीर लगा दी <laughs> नहीं इंसान नहीं है इंसान नहीं है नहीं सर जानवर है नहीं भी नहीं है किस काम आती है ये चीज इसकी वजह से खारिश होती है। <laughs> इसकी वजह से खारिश होती पैसा पैसा <laughs> वो खारिश होती ऐसा है, है कुछ? बिल्कुल नहीं ताकत का नशा ताकत किससे खारिश होती है इसके बिगाड़ दूं ये कर दूं अच्छा आप जा रहे हैं चीज़ों की जानब जबकि ये जानदार चीज है सांस लेती है सांस लेती है जी बिल्कुल ये तो हमें सांस नहीं लेने देती ये खाती है चीज या सिर्फ पीती है नहीं नहीं खाती है जी ये चीज खाती है ये हमारी जान भी खा जाती है तो <laughs> या खा जाती है या खा जाता है भी हो सकता है क्योंकि इनमें चेक करके बताएं प्लीज मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ <laughs> अच्छा ये, आ, आ, कीड़ों, ये में कीड़ों, कीड़ों में से है कीड़ों में कीड़ों में से है और हमारी जान निकाल देती कीड़ा कीड़ा कौन कौन सा जान निकाल लेता है ये एक इंसान को, को वो बना देता है मच्छर 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 है, है। इंसान को वो बना देता है कैसे इससे शरारती बंदा कौन हो सकता है इस तरह की बंदा इस तरह की बात कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता इंतार भाई थैंक यू सो मच आप आए इस शो पर आपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े कॉमेडी शोज को आपकी प्रेजेंस ने बहुत बड़ा बनाया आज फाइनली हंसना मनाया मैं आकर आपने इस शो को भी बाकायदा बड़ा बना दिया थैंक यू सो मच फॉर बींग हंसना मनाए सर बहुत मज़ा आया आपके साथ सर थैंक यू माई प्लेयर और मेरे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे ना बड़े दिल से मेरी हसरत थी कि मैं आपको जोर से एक जप्फी डालूँ भावें मेरी ही चामपा टूट गई लेकिन आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है जी बहुत शुक्रिया सर ओके आई लव यू वेरी मच सर थैंक यू सो मुझसे आपका एहतराम तो करता ही हूँ क्योंकि मोहब्बत तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक दिल में एहतराम पैदा ना हो बेसिकली बहुत अच्छी बात तो so, मेरे लिए भी आज बहुत अच्छा दिन था बहुत बड़ा दिन था थैंक यू एंड लव यू लाइफ टाइम थैंक यू सर जाने से पहले हमारे जो गेस्ट होते वो हमारे कैमरे से ऑडियंस से और जो लोग हमें देख रहे होंगे उनसे कमाल की बात करते हैं सर तो पाप ने जो लाइफ में सीखा अगर आप उसको चंद सतूर में यहाँ के बता सके हमको कोई सबक आपने सीखा तो हमारे लिए बड़ी दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है ना जी उसको एक वक्त तक उसकी माँ की ज़रूरत पड़ती है बहुत अच्छी बात बेशक और माँ जो होती है वो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है और उसको एक हद हाँ तक वो तैयार कर देती है धूप छाँव गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल करती है वो बाप हो या माँ हो क्योंकि बाप का भी बहुत और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब माँ और बाप को उस बच्चे की ज़रूरत पड़ जाती अगर उस टाइम आपने माँ बाप को छोड़ा उसके बाद फिर आप जितनी मर्जी इबादत करते रहें फजूल बात की सर आपने खबा भी आपकी घड़ियों में बजने वाले इस वक्त रात के बारह क्या करते हैं सर बारह बजे रात के बारह बजे सो जाना चाहिए जी चाहिए तो सही है लेकिन आप क्या करते हैं कोशिश तो यही करते हैं जल्दी सोने से ताकत रहा बॉडी में रहती मैं देख रहा हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठा सुबह <laughs> क्या जल्दी उठ क्या कर रहे हैं आप मैं अखबार से उठने आप भी भाई जल्दी सोइए सुबह जल्दी उठिए पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए गुड नाइट अल्लाह